हाय गाइस, दिस इज राकेश, यू वाचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइस, यूपी एनएचएम ने सीएचओ वैकेंसी 2019-20 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि आप अपना रिजल्ट किस तरह से चेक करोगे, सेकंड सेशन का ऑफर लेटर कब और कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे, साथ ही साथ सीएचओ की ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट हो जाएगी, और आपके रिजल्ट में जो रिमार्क आया है शॉर्ट लिस्टेड, वेट लिस्टेड, नॉट शॉर्ट लिस्टेड और फेल्ड, उन सब का क्या मतलब है। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो मेरे को साथ बने रहना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। साथ साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेड्स को लाइक और फॉलो करना है, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, पास में जो घंटी का निशान है उसको दबाना है तथा ऑल का जो नोटिफिकेशन उस पर क्लिक कर लेना है, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपकमिंग वीडियो को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, सीएचओ वैकेंसी 2019-20 यूपी एनएचएम का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जो यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट है www.sams.co.in, इसको ओपन कर लेना है। मैंने साइट ओपन कर ली है। जैसे ही आप ओपन करोगे, होम पेज पे आपको यहाँ पे मास लेवल रिक्रूटमेंट्स का टैब है वो दिखाई देगा। इसमें 6 मंथ ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एनएचएम उत्तर प्रदेश, ये दिखाई देगा, और फाइनल रिटर्न टेस्ट रिजल्ट है वो दिखाई दे जाएगा। इस टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे फिर से दिखाई देगा फाइनल रिटर्न टेस्ट रिजल्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर जनवरी 2020 सेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन आईडी है वो मांगी जाएगी, वो आपको डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ है वो भी डाल देनी है, और सबमिट कर देना, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे और नोटिफिकेशन है, इन दोनों पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करने लेना है। तो इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है कि जनवरी 2020 के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परिणाम की जांच कैसे करें, तो दे दिया है कि आवेदन आईडी यानी जो एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि डालकर आपको रिजल्ट चेक करना है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके रिजल्ट में 4 चीज़ें हो आ सकती है, या तो आपके लिखा हुआ आएगा शॉर्ट लिस्टेड, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और जो भी जिला आपका दिया जाएगा उस जिले के जिला अधिकारी के द्वारा आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद में आपको ऑफर लेटर है वो दे दिया जाएगा। दूसरा आपके आ सकता है वेट लिस्टेड। वेट लिस्टेड का मतलब है कि आपको प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, या कोई बैकलॉग की पोस्ट हो जाती है, या कोई पोस्ट बढ़ती है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितनी पोस्ट खाली रहेगी तब ही वेट लिस्टेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आएगा, वरना उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वेटिंग लिस्टेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अभी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं इसका मतलब है कि उनका फाइनल सिलेक्शन है वो 100% हो चुका है। फिर आता है नॉट शॉर्ट लिस्टेड, इसका मतलब है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ जो नंबर हैं उनसे ऊपर आए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप न तो शॉर्ट लिस्टेड है और न ही आप वेट लिस्टेड है, तो आपको अब दूसरी एग्जाम की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। सीएचओ की जो आगे की प्रक्रिया है उसमें आपको इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। फेल्ड का मतलब है कि आपके जो मार्क्स है वो रिजल्ट से ही कम आए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, आगे जो भी एग्ज़ाम है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप नर्सिंग ट्रेंड्स पे बने रहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालते रहता हूँ पढ़ते रहिए, और अपनी बुक से भी पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन आगे की वैकेंसी में हो जाएगा। कट ऑफ मार्क्स क्या है? कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए 33%, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 24%, इस तरह से कट ऑफ मार्क्स आपकी रही गई है। अब ऑफर लेटर कब आएगा? तो ऑफर लेटर है वो आएगा आपका 20 जनवरी 2020 के बाद में आ जाएगा, और आपकी सीएचओ की ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो जाएगी? सीएचओ की ट्रेनिंग हो जाएगी अप्रैल 2020 में, जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक, अप्रैल 2020 का फर्स्ट वीक है 2020 का, उसमें आपकी सीएचओ की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कब होगी? दस्तावेज सत्यापन है जो भी आपका जिला आपको दिया जाएगा, उसका संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपको प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वो
मिलने वाला है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो ये चीज़ें हो गई है, आई होप सारी चीज़ें समझ में हो गई। आप शॉर्ट लिस्टेड, वेट लिस्टेड, नॉट शॉर्ट लिस्टेड की चीज़ें समझ, कट ऑफ मार्क्स भी समझ गए। ऑफर लेटर मैंने बता दिया 20 जनवरी 2020 के बाद में आएंगे। ट्रेनिंग अप्रैल 2020 के फर्स्ट वीक से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।